अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो PLC है, इसमें काउंटर अप और डाउन को कैसे यूज कर सकते हैं। डबल वर्ड काउंटर, तो ये काउंटर जो अप एंड डाउन है, ये देखें इस इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा हुआ है, काउंट अप एंड डाउन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों करता है, और इसकी CV आउटपुट भी आती है कि CV आउटपुट क्या है। तो इसको मैं काउंटर को अपने को लेता हूँ, तो ये काउंटर मैंने लिया, तो काउंट अप के लिए वो कहता है कि आपने कौन सा बटन यूज़ करना है, और काउंट डाउन के लिए भी अगर आपने बटन लेना है तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। I0.0 जो है ये मेरा काउंट अप के लिए यूज़ होगा, I0.1 जो है वो काउंट डाउन के लिए यूज़ होगा, और I0.2 रीसेट के लिए यूज़ होगा, और I0.3 है मेरा ये लो काउंट डाउन, इससे जब हम प्रेस करेंगे तो ये अप डाउन पे चला, जितनी वैल्यू हमने सेट की होगी ये उस पे चला जाएगा, और दोबारा फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे तो ये नीचे आएगा, और इंक्रीमेंट करेंगे तो ऊपर जाएगा। और PV वैल्यू हमने किस में देनी है, तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि PV वैल्यू किस किस में आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे अगर वैसे क्लिक करके इसके ऊपर रखे रखेंगे तो ये बता देगा आपको कि इंट वर्ड में दे सकते हैं, सिंगल वर्ड सारा डाटा है। अगर डबल वर्ड करना है तो इसको डी इंट कर दें, डी इंट कर देंगे इसको तो आपको ये डबल वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि डबल वर्ड डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है कि बाइट वर्ड यू यू एस इंट यू इंट एस इंट इंट वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंगल वर्ड ही यूज़ करता हूँ, इंट ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इसको लिख देता हूँ 5 काउंट, और काउंट अप पे क्या हो और काउंट डाउन पे क्या हो। काउंट अप पे मैं दे देता हूँ इसको कि Q0.0 तुमने ऑन करनी है, Q0.0 ऑन हो, और काउंट डाउन पे हमारी ऑन हो Q0.1। और जो CV करंट वैल्यू जो है वो आपने किस में लेनी है, तो वो मैं एक डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ MW0 में। आप MW0 में इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको डी डी में कर देंगे तो फिर एम डाटा आपका नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपको MD लिखना पड़ेगा। मैं इसको MD0 लिख देता हूँ, फिर MD आएगा, क्योंकि अगर इसको फिर 32 बिट कर देते हैं ना, हम डबल वर्ड कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं PLC में डाउनलोड करता हूँ, अब ये देखें ये मेरा काउंटर जो है इस टाइम 0 इसकी वैल्यू सेट है, तो इसकी इसे मैं पहले सबसे पहले एक दफ़ा रीसेट करता हूँ। I0.2 पे मैं इसका सिग्नल देता हूँ तो ये रीसेट हो गया। रीसेट होने पर ये इसी अब काउंट अप पे है, सॉरी काउंट डाउन है इसके, तो क्योंकि काउंट उससे नीचे है तो Q0.1 ऑन होगी। अब मैं काउंट अप करता हूँ, एक सिग्नल, 2 3 4 5, और जैसे ही 5 सिग्नल होंगे तो ये क्या करेगा कि ये Q0.0 को ऑन करवा देगा। और अब अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करवाऊं, जब 0 के इक्वल होगा तो Q0.1 ऑन हो जाएगी। देखें अब 0, ये 0 हो गया, तो 0 पे ये डाउन वाली हमारी ऑन हो गई है Q0.1। अब माइनस में अगर जाता रहेगा तो यही ऑन रहेगी, और अगर यहां पे मैं जो LD और 5 काउंट के बाद फिर अगर इसे मैं कम करना शुरू करूंगा, तो जैसे ही 5 से कम होंगे तो Q0.0 ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा तो ये आउटपुट Q0.1 ऑन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं इसको रीसेट करूंगा तो ये 0 पे हो जाएगा और नीचे वाली आउटपुट ऑन होगी, और अगर I0.3 को करूंगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी और उस पे जाके ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काउंटर अप और डाउन को यूज कर सकते हैं, ये इसका सबसे आसान मेथड है। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।